Assalamualaikum everyone. Good evening. And my name is Sara Riaz. I'm MBBS graduate from University of Health Sciences. I'm fresh graduate and I'm certified participant of third international biennial cardiorespiratory conference which was held in Gulab Devi Chest Hospital in 2019. I'm certified visual screener for the tuberculosis patients and fundoscopy performer from 2019 till present. I'm certified member of hands-on laparoscopic skills held by the Department of Surgery 2022 to present, and certified for hands-on basic endoscopic skills, cancer screener and colposcopy performer from 2022 to till present. So today, my topic of discussion is hypothyroidism. Hypothyroidism is basically a very common disorder when it comes to talk in the field of endocrinology, that is basically caused by an abnormality that interferes with the production of adequate levels of thyroid hormone. इसमें होता यही है कि जो हमारे thyroid के hormones हैं उसमें हमारे पास या तो production कम हो रही होती है या फिर hormone ठीक produce हो रहा है लेकिन उसकी utilization जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है. तो basically जब हम लोग एक thyroid hormone या thyroid gland की बात करते हैं तो as you can see in my screen that there is a butterfly shaped gland जिसके ऊपर thyroid लिखा हुआ है side पर, और ये एक visual representation है anterior aspect से, यानी सामने से अगर देखें गर्दन सामने से दिखाई गई है हड्डियों के ऊपर, के हमारी जो गर्दन के अंदर हड्डियां हैं उनको हम लोग cervical spine कहते हैं. मुख्तलिफ वो जो vertebras हैं 6 से 7 होते हैं. ये स्टर्नल बॉडी और क्लेविकल के बिल्कुल ऊपर 3rd या 4th ट्रेकियल रिंग्स तक हमारे पास ये जो है एक ग्लैंड होता है. बेसिकली इट हैज 2 लोब्स, 1 राइट लोब एंड 1 लेफ्ट लोब, एंड दे आर जॉइंड टुगेदर बाय इस्थमस. बेसिकली दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और ये उसकी ब्लड सप्लाई को हमने बताने की यहाँ पे कोशिश की है. हमने बताया कि कैसे this white aspect is known as the thyroid cartilage and this is the hyoid bone. Now the hyoid bone is the only bone which has no bony origin or ligament, lekin isne bahut sare jo muscles hain hamare face ke aur gale ke isne unko uthaya hua hai. So basically it is the only bone in the body jiski khud ki koi support nahi hai, ye hang kar rahi hoti hai, latak rahi hoti hai. Aur yahan pe 3rd or 4th tracheal ring, trachea हमारी जो सांस की नाली है इसके ऊपर जैसे ये चिपका हुआ होता है ये उस तरह से होता है. इट हैज 1 सुपीरियर थायराइड आर्टरी विच इज कमिंग फ्रॉम द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और यहाँ पर हमने हिस्टोलॉजिक रिप्रेजेंटेशन बताने की कोशिश की गई है कि थायराइड के अंदर सेल्स कौन कौन से होते हैं. एक है पैराफॉलिकुलर सेल्स, दूसरे हैं कोलाइड कंटेनिंग फॉलिकल्स, और जो तीसरे हैं वो हैं सेल्स फॉलिकल्स या क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो बेसिकली जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो इनसे बनते हैं, और डिफरेंट हॉर्मोन होते हैं. पैराफॉलिकुलर से हमारे पास हॉर्मोन कैल्सिटोनिन आता है, फॉलिकुलर जो सेल्स हैं ये बनाते हैं T3 और T4. तो इन द नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली हम लोग बात करेंगे अब इस स्लाइड में कि हॉर्मोन्स ये बनते कैसे हैं, ये स्टोर कहाँ पर होते हैं, थायराइड में ये कैसे आते हैं, और थायराइड आगे से अपने हॉर्मोन्स कहाँ कहाँ भेज रहा है, और बॉडी के अंदर जो डिस्टर्बेंस है इसकी हम एक नॉर्मल ओवरव्यू लेने की हम कोशिश करेंगे. हाइपोथैलेमस में इस तरह से होता है कि बहुत सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं. हाइपोथैलेमस में से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है TRH, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन इसको कहते हैं, दैट इज रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. वो ट्रेवल करता करता हमारा एक और ग्लैंड है एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारे दिमाग में मौजूद होता है,
उसके पास आता है। अब TRH की वजह से स्टिमुलेशन होती है TSH की। TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। जब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर TSH इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इन ब्लड और TRH न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचता है। TSH जब ब्लड में आ जाता है वो ट्रेवल करता है थायराइड ग्लैंड के पास और थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना T3 और T4 बनाना शुरू हो जाता है। T3 और T4 जो है वो फिर रिलीज हो जाते हैं थायराइड से हमारी सर्कुलेशन के अंदर और टारगेटेड सेल्स जो हैं बॉडी के उनके ऊपर जाकर एक्ट करते हैं। अगर बॉडी के अंदर T3 और T4 की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो उसी तरह से बॉडी सिग्नल भेजती है दिमाग को कि भाई हाइपोथैलेमस स्टॉप प्रोड्यूसिंग TRH, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बॉडी में T3 और T4 जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं। एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस TRH नहीं बनाता, अल्टीमेटली वो एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं आता, TSH स्टिमुलेट नहीं होता और बाकी हॉर्मोन्स नहीं बनते। तो ये नेचर की तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक है। और जब T3 T4 बॉडी में से यूटिलाइज हो जाते हैं तो बॉडी फीडबैक भेजती है, ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए कि हाइपोथैलेमस स्टार्ट रिलीजिंग TRH। इफ देयर इज एनी इशू इन द ऑडियो प्लीज लेट मी नो। और आप लोग मुझे बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं अगर इफ देयर इज एनी इशू और क्वेश्चन अप टिल नाउ। एकदम क्लियर। मे आई आस्क क्वेश्चन डॉक्टर साइरा? यस यस प्लीज। आपने बताया कि T3 T4 लेवल इंक्रीजेस इन द बॉडी, इज देयर एनी रीजन दे इंक्रीजेस और दे आर प्रोड्यूस्ड कंट्रोल क्वांटिटी और देयर लेवल इज कंट्रोल्ड? कोई क्वांटिटी होती है वहां तक करना होता है या ये जितने प्रोड्यूस होते हैं फिर जैसे ही ज्यादा होते हैं इंडिकेट हो जाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर आसिया। राइट नाउ मैं आपको सिर्फ नॉर्मल फिजियोलॉजी बता रही हूँ। जैसे पानी के जैसे हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल फ्लक्चुएट्स करते हैं ना, हार्मोन लेवल्स भी जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हार्मोन लेवल जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर एक ही उसमें लेवल पे रहेगा। बॉडी को जरूरत हुई किसी चीज की, उसने हार्मोन की डिमांड कर दी। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में, आज की डेट में एक इंसान है वो ज्यादा काम करता है, ज्यादा मसल एक्टिविटी करता है उसकी जो या वो एथलीट है, उसको हार्मोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई तो वो अपने ब्रेन को उसकी बॉडी सिग्नल भेजेगी कि मुझे ये फला फला हार्मोन जो है ना वो ज्यादा चाहिए। लेकिन जब वो रेस्टिंग पोजिशन में आ जाता है और हार्मोन ज्यादा है और अभी उसकी इतनी डिमांड नहीं है तो वो नेगेटिव फीडबैक करता है अपने ब्रेन को कि अब बस ठीक है, अब आप रिलैक्स करें, मेरे पास ऑलरेडी एडिक्वेट स्टोर्स मौजूद हैं इस हार्मोन को यूटिलाइज करने के लिए। फिर जैसे ही वो वाले खत्म होते हैं हार्मोन लेवल्स, फिर से हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आप दोबारा से हार्मोन बनाए। इसीलिए जो सर्कैडियन रिदम है नाइट टाइम में वो हर इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने फिट किया हुआ है कि व्हेन यू स्लीप एट अ सर्टेन टाइम बिटवीन 2 AM to 3 AM ये हर इंसान की बॉडी का डिफरेंट है। इसमें हार्मोनल लेवल फ्लक्चुएट भी करते हैं और इसमें जितनी भी बॉडी की डिमांड होती है उस हिसाब से हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, कम भी होते हैं और ज्यादा भी हो जाते हैं। इज दिस क्लियर मैडम आसिया? Yes, thank you very much. It is just that कि आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हॉर्मोन लेवल हमेशा सेम होगा। इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज है उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगी, बट इट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी सिर्फ नॉर्मल बात यही है कि आपकी बॉडी में अगर हॉर्मोन ज्यादा है बॉडी दिमाग को सिग्नल भेजेगी कि अब और ना बनाओ। अगर कम पड़ गए हॉर्मोन तो बॉडी जो है वो दिमाग को सिग्नल भेजेगी ज्यादा बनाए। दिमाग से एक हार्मोन आएगा TRH, वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, वहां से TSH आएगा, थायराइड के ऊपर आएगा और फिर हार्मोन्स बनेंगे। ओके थैंक यू। ओके नाउ व्हाट हैपेंस दैट इन हाइपोथायराइडिज्म
इसमें ये होता है कि दैट देयर इज जनरलाइज्ड स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो गिर जाता है। न्यू बॉर्न इन्फेंट्स के अंदर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो हम उसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। ये कंजेनिटल भी होता है। कंजेनिटल का मतलब ये है कि पैदाइश के वक्त ही बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म या गदूद की कमी की जो शिकायत है वो मौजूद थी। और जुवेनाइल भी हो सकता है कि बच्चे को उसकी सर्जरी हुई है या उसकी खुराक एडिक्वेट नहीं थी तो हार्मोन लेवल्स उसके कम हो गए। इन एडोलेसेंट जो प्यूबर्टी में जो लोग होते हैं, जो यंग हो रहे हैं टीनेजर्स, अगर उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा दे विल हैव शॉर्ट स्टेचर, उनका कद छोटा रह जाएगा, दे विल बी मेंटली नॉट कैपेबल दिस मच, उनका जो आईक्यू लेवल है आईक्यू एंड ईक्यू लेवल वो बनिस्बत एवरेज बच्चे के कम होगा। एंड प्रीकोशियस प्यूबर्टी का मतलब ये है कि जो लड़कपन जिसको कहते हैं प्यूबर्टी, वो बच्चों में जल्दी आ जाएगी। अगर लड़की है तो शी विल बी हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्लियर देन हर एज एंड वेट। और अगर मेल है तो उसमें जो मेल सेकेंडरी करेक्टर्स है, आवाज का बदलना, मुंह पे बालों का आना, वो जल्दी आ जाएंगे। बच्चे की एज छोटी है बट वो जल्दी जवान हो रहा है। In adults, the symptoms are largely reversible after therapy. जो जब fully adults हैं हमारे, उनके अंदर जो symptoms हैं, अगर आप उनको therapy देंगे, तो वो बहुत उसका drastic effect ये होता है कि असरात खत्म हो जाते हैं। Medication is very helpful in all age groups, whether it is newborn infants, adolescents, adults. Medicine is going to work. So what happens in hypothyroidism? Thinning of the hair or hair loss, madarosis. बाल पतले हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाएंगे। Puffy face. Electrolyte imbalance की वजह से जो नमकियात और बाकी जो हमारे water compartments हैं और फैट एडिपोज टिश्यू डेपोजिशन सबसे ज्यादा ये होगी, क्योंकि होता ये है कि हाइपोथायराइड के पेशेंट को ठंड बहुत लगती है। गर्मी का भी अगर मौसम होगा तो उसको ठंड लग रही होगी और बकायदा उसकी बॉडी में शिवरिंग होगी, वो कहता है कंबल दे कंबल दे। हमारी बॉडी क्या करती है, वो ये बात को जैसे गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है कि बॉडी के टेम्परेचर को गिराने के लिए बॉडी के मसल शिवरिंग स्टार्ट करते हैं या स्वेट ग्लैंड ओपन हो जाते हैं, वाटर लॉस शुरू हो जाता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करें। इसी तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म में जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो बॉडी फैट सेल्स को कहती है कि आप ज्यादा फैट्स बनाना शुरू हो जाएं। चर्बी की लेयर चढ़ जाती है आपकी बॉडी के ऊपर जस्ट टू प्रोवाइड इंसुलेशन, यानी आपको एक गर्माइश, एक प्रोटेक्टिव या डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसीलिए जो फीमेल्स जो पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म की हैं उनका वेट बढ़ रहा होता है। ड्राई एंड कोर्स स्किन, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में ये होता है कि इनका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, निज़ाम जो हजम का भी आपको कर रहा होता है, तमाम लैक्रिमेशन, सेलेवेशन, ये सारे जो है इनका माउथ भी ड्राई हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन की इनको बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। कोल्ड इनसेंसिटिविटी एंड स्वेलिंग ऑफ द लिम्स। Swelling of the limbs will be due to electrolyte imbalance and more fat storage. Loss of eyebrow hair, enlarged thyroid gland, गले के सामने आपको सूजन फील होगी। Slow heart rate, दिल की धड़कन कम होगी। Poor appetite, खाना जो है वो उनको भूख अच्छी नहीं लग रही। Infertility, irregular periods and carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome में ये होता है हाथ अकड़ जाते हैं, joint अकड़ जाते हैं, move नहीं करते और दर्द बहुत ज्यादा होती है। इनमें infection हो तो आपके ये amputate भी करना पड़ता है, हाथ भी काटना पड़ता है। Weight gain, जो चीजें होंगी ये होंगी, एक weight gain होगा, poor memory होगी, intolerance to cold, feeling of tiredness. The thyroid gland does not produce enough thyroid hormone. और ये सब कुछ इसलिए हो रहा होता है कि thyroid hormone जो है वो gland, sorry, वो hormone को produce नहीं कर रहा,
adequately. So basically this all shows कि यहाँ पर metabolism की जो है वो slow down हुआ हुआ है. थायराइड ग्लैंड से देर आर टू कंडीशन विच आर गोइंग टू हैपन. एक तरफ तो अगर थायराइड हार्मोन्स कम हो जाए, इमरान रेस्ड हैंड. जी इमरान. जी सलाम अलैकुम मैम. वालेकुम सलाम. अच्छा मैम, ये जितने भी सिम्टम्स आप बता रही हैं इसके साथ, एक तो इसका टिपिकली जो डायग्नोसिस होता है वो ब्लड टेस्ट होता है. सो मिडिल एज में स्पेशली मैन के लिए, सो क्या ये इसका एहतियातन एक टेस्ट करवा लेना चाहिए अगर आपको इसमें से कुछ सिम्टम्स हो या फीलिंग्स हो, या फिर इसका क्या करना चाहिए, इसको डायग्नोज किस लेवल पे स्टेज पे आके कर लेना चाहिए, या फिर एहतियातन किसी भी बंदे को रैंडमली ये करवा लेने चाहिए अपने टेस्ट ताकि वो इसको एड्रेस कर सके अगर वो ये सारी से सफर कर रहे हैं तो. एहतियातन अगर प्रोफिलैक्टिकली आप लोग करवाना चाह रहे हैं तो ये बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है. किसी भी लैब में जाएं, आप उनसे कहें कि मैंने थायराइड फंक्शन के टेस्ट करवाने हैं. वो क्या करते हैं, वो आपको ब्लड का सैंपल ड्रॉ करते हैं और आपको दे देंगे. हाँ एहतियातन बिल्कुल, अगर आपको ये सिम्टम्स हैं कि आपकी जो आवाज़ है उसमें होर्सनेस आ रही है, वो बदल रही है, आपका वजन बढ़ है, आपको ठंड बहुत लगती है, आपको फिटीग है, कॉन्स्टिपेशन है, या फील करते हैं कि मेरे गले के आगे ना सूजन सी या लंप सा डेवलप हो रहा है, तो आप बिल्कुल इसको करवाएंगे. हेलो इमरान. जी राइट मैम, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात को सुन रहा था. बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है मैम, आई गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच. ओके, नाउ देयर आर टू कंडीशंस जो थायराइड के डिसऑर्डर्स को करते हैं. अगर थायराइड के हार्मोन्स कम होंगे वही से दैट इज हाइपोथायराइडिज्म. हाइपो मींस लेस, और अगर ज्यादा हो रहे हैं वी विल से हाइपरथायराइडिज्म. के थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ गए हैं. हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म सारा स्लो होगा. की फैक्टर है इसका कोल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई हेयर है, पफी फेस है, ग्वाइटर है, स्लो हार्ट रेट है, वेट गेन है, कॉन्स्टिपेशन है. हाइपरथायरॉयडिज्म में हेयर लॉस है, बल्जिंग आइज, ग्वाइटर, रैपिड हार्ट रेट, वेट लॉस, डायरिया एंड हीट इंटॉलरेंस. अब इसमें एक कॉमन बात ना बहुत होती है कि आप लोग देखें कि जो ग्वाइटर है, गर्दन के आगे जो सूजन है, वो हाइपर में भी है और हाइपो में भी है. और इनके साथ जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है हाशिमोटो थायराइडाइटिस, उसमें भी हो जाती है. डिफ्यूज यानी एक जैसे स्वेलिंग भी होगी और नोड्यूलर भी होगी, वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी. उसमें होता यही है जैसे वो मैंने पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी में बात की थी कि थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड. थायराइड के हार्मोन जब कम होते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है थायराइड के हार्मोन जो है ना वो रिलीज करवाओ, बनवाओ. वो जब बना देता है ज्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव फीडबैक से जाता है कि काम करवाओ, अब जरूरत नहीं है. इसीलिए जो स्वेलिंग है वो कभी बढ़ जाती है, कभी वो कम हो जाती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को बेसिकली ओवरऑल ज्यादा काम करना पड़ता है, कभी कम काम करना पड़ता है. तो एक अलहदा अलहदा से जब गिल्टियां बनती हैं तो दैट इज मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर. जब वो तस्वीर आएगी मैं ये बात फिर तब भी करूंगी. अभी चूंकि हम लोग सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म देख रहे हैं तो उसके सिम्टम्स के ऊपर अगर बात किया जाए तो इंक्रीज्ड फटीग, थकावट जो है वो बहुत ज्यादा है, वेट गेन हो रहा है, हेयर लॉस है, ड्राई स्किन है, नॉजिया, कॉन्स्टिपेशन, पेनफुल एंड प्रीलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमनिया का मतलब है नींद नहीं आती, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, increased blood pressure and cholesterol, chills and convulsions. Chills का मतलब है जिस्म का कांपना, और convulsions बकायदा बेहोश होके या नीम बेहोशी में झटके खाना. ये hyperthyroidism के patient के साथ हो सकता है. In the next slide, we will talk about के वजूहात क्या है, ये condition आती क्यों है. तो इसकी मुख्तलिफ है. Congenital का मतलब वो है जो पैदाइशी तौर पर मौजूद. दिस हार्मोजेनेसिस का मतलब है कि हार्मोन बनने का जो प्रोसेस है उसमें गलती है, उसमें किसी हार्मोन की या किसी एंजाइम की कमी है, या प्रोसेस जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा.
गोइटर का मतलब है वो जो गर्दन के आगे सूजन या वो बनती है। पॉजिटिव का मतलब है, अगर मैंने डिसहोमोजेनेसिस में लिखा है कि गोइटर गर्दन के आगे सूजन होगी। थायराइड एप्लेजिया, जो थायराइड ग्लैंड है वो नेचुरली कुदरती तौर पे जब जिस्म के सारे आजा बने थायराइड ग्लैंड बना ही नहीं, या वो बना है तो वो टूटना शुरू हो गया है और वो ऑटोफेगी में खत्म हो गया है, उसमें गोइटर नहीं बनेगा, गर्दन के आगे सूजन नहीं होगी। आयोडीन डेफिशिएंसी है, डाइट्री डेफिशिएंसी है अगर, तो उसके आगे गर्दन के आगे जो स्वेलिंग या लंप है वो होगा। हाशिमाटोज, थायराइडाइटिस, स्वेलिंग हो सकती है और नहीं भी हो सकती। आइट्रोजेनिक का मतलब है मेडिकली अगर इलाज करते हुए कोई गलती हुई है या इलाज के दौरान हाइपोथायराइडिज्म जो है ना वो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन, ये सर्जरी का एक प्रोसीजर होता है, इसमें हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। जब वो आयोडीन थायराइड ग्लैंड के साथ स्टिक अप करते हैं, रेडिएशन होती है, ग्लैंड सारे वो सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एब्लेट कर जाते हैं, तो उसमें स्वेलिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। थायरॉयडेक्टोमी एक सर्जरी का प्रोसीजर है जिसमें थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, इसको कम्प्लीटली भी निकालते हैं और थोड़ा भी निकालते हैं, इसमें गर्दन के आगे स्वेलिंग नहीं आएगी। अमायोडोरॉन वो दवाई है जो दिल के मरीज, बीपी, हाइपरटेंशन या वो लोग जिनको दिल का मसला है वो इस्तेमाल करते हैं। इट इज एन एंटी अरिथमिक ड्रग, उसको इस्तेमाल करने से भी साइड इफेक्ट उसका ये है कि हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तो उसमें भी स्वेलिंग होने के इम्कानात हैं भी और नहीं भी हैं। लिथियम कीमोथेरेपी में हम लोग यूज करते हैं कैंसर पेशेंट्स के अंदर, उसमें भी साइड इफेक्ट के तौर पे हाइपोथायराइडिज्म कैंसर पेशेंट्स को बहुत क्रिटिकली स्क्रीन करना पड़ता है, दे कैन डेवलप हाइपोथायराइडिज्म, इसीलिए उनकी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत जरूरी है। एंटी थायराइड ड्रग्स, हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है, दवाइयां खा रहा है हार्मोन को कम करने की और ज्यादा हार्मोन कम हो गए हैं, तो तब भी गर्दन के आगे जो सूजन है वो बन सकती है और वो नहीं भी बन सकती। सो दिस इज द पेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाशिमाटो थायराइडाइटिस, दिस इज द मोस्ट कॉमन, ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा खवातीन के अंदर, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें हो रहा है या उसके बाद उन्हें हो रहा है। अब टिल नाउ अगर किसी को कोई बात पूछनी हो, एम आई ऑडिबल? जी बेनिश। यस, मुझे ये पूछना था, एक्चुअली मैंने एक मंथ पहले अपना थायराइड चेक करवाया था, उसमें मेरा TSH काफी ज्यादा आया, 9 point something, मगर मेरे T3 और T4 नॉर्मल थे, वो नॉर्मल रेंज में थे, तो मुझे ये पूछना था मैं हाइपो में फॉल करती हूँ या हाइपर में? आपका TSH रेज्ड है और T3 और T4 कम है। नहीं, वो नॉर्मल, उनकी जो लेवल्स थे वो नॉर्मल के अंदर फॉल कर रहे थे। आप हाइपोथायराइडिज्म से सफर कर रही हैं। ओके। हाइपोथायराइडिज्म, ये सारी स्लाइड में आगे भी मैंने वो रखी हुई हैं, वो स्लाइड आएगी तो बेनिश प्लीज स्टे इन टच, मैं आपको बताऊंगी कि आपने आपका इशू क्या है। थैंक यू। ओके, नाउ there is a term which is known as Hashimoto thyroiditis. इसमें chronic lymphocytic infiltration हो जाती है। ये lymphocytes basically cells होते हैं। वो आपके gland के अंदर भर जाते हैं। जब body के अंदर inflammation होती है या सूजन होती है या कोई भी infection होता है, तो अगर तो वो अभी अचानक अचानक हुआ है तो neutrophils हमारी जो body के अंदर cells हैं वो आते हैं। अगर पुरानी कोई सूजन चल रही है तब lymphocytes आएंगे। Hashimoto is an autoimmune disease जिसमें thyroid autoantibodies react against a variety of thyroid antigens, यानी हार्मोन बन रहा है लेकिन हार्मोन ने जाके जिन जिन जगहों पे लगना है ना antigens पे, उनके खिलाफ ही बॉडी सिपाही बना देती है। Females are more affected with this. अब हमारी बॉडी के अंदर हर चीज को कोड करने का जीन होता है, इसी तरह से HLA-DR3 and HLA-DR5, these are the two genes, और इनके साथ साथ hypothyroidism जो है वो बहुत ज्यादा affiliated है, बहुत ज्यादा associated है। तो जो antibodies बनती हैं उनमें से एक है anti-thyroid peroxidase,
ये पॉजिटिव आता है उन पेशेंट्स में जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज ये भी पॉजिटिव आती हैं उनमें जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है. दीज आर बेसिकली एंटीबॉडीज. ठीक है, ये इसका टेस्ट अलहदा से होता है ऑटो इम्यून डिजीज को रूल आउट करने के लिए, और उसमें दोनों पॉजिटिव होंगी. ये साथ में डायग्राम है. ऊपर अगर आप देखें तो जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन अगर जहाँ थायराइडाइटिस वाला है वो इन्फ्लेम्ड भी है, वो साइज में भी बड़ा है और उसके सेल भी थोड़े से बड़े हुए हैं. ऑन द नेक्स्ट स्लाइड ये थायराइडाइटिस की ग्रॉस डायग्राम है. अब इसमें अगर आप लोग देखें कि फॉलिकुलर सी इन्फ्लेमेशन है, जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हुआ है, और ये वाली सांस की नाली के ऊपर वो बिल्कुल चिपका हुआ है. इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लैंड पड़ा हुआ होता है. इन द नेक्स्ट स्लाइड अहेड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ऑटो इम्यून हाशिमाटोथायराइडाइटिस, जिसमें गर्दन के आगे स्वेलिंग है, स्किन थिक हो जाएगी, डिप्रेशन है, फटीग है और कॉन्स्टिपेशन है. बिनिश, आर यू हैविंग एनी सिम्टम्स? नहीं, इसमें तो मुझे नहीं नजर आ रहे, मगर मेरे हाइपो और हाइपर से मिलते जुलते थे. जैसे मेरे हेयर लॉस बहुत ज्यादा है, वेट गेन हो रहा था, और मैं सब कुछ कर रही थी मगर फिर भी वेट गेन हो रहा था. लाइक डाइट अच्छी ले रही थी, एक्सरसाइज भी कर रही थी, और बाकी सारे हाइपो वाले सिम्टम्स से जो पहले आपने बताए. ठीक है, अब आपको हाथों पे ज्यादा पसीना तो नहीं आता? समटाइम्स. अच्छा, आपको आप ना ऑटो इम्यून में आ रही हैं, आप हाशिमाटोज में आ जाते हैं. व्हाट इज योर एज? मैं 35. यस, इट इज पॉसिबल कि आप हाशिमाटो में हो, क्योंकि हाशिमाटो में ऐसे ही होता है, कभी हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, कभी हाइपर हो रहा है. जी जी, मैं वही देख रही थी कि दोनों मिक्स ही. आपको प्रॉपर एक उसमें ड्रग रिजीम पे डालना पड़ेगा. जी जी, दिस इज द वेरी कॉमन. ये जैसे गर्दन के आगे स्वेलिंग की मैंने बात की थी, ये मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है. ठीक है, इसको कहते हैं कि जगह जगह से कहीं से ज्यादा स्वेलिंग है और कहीं से कम स्वेलिंग है. ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया था, कभी हार्मोन्स कम हो जाते हैं, दोबारा काम करना पड़ता है और बनाने के लिए. तो इसी तरह से ग्लैंड को जब ज्यादा काम करना पड़ता है इम्बेलेंस में बहुत ज्यादा, तो वो जगह जगह से बड़ा हो जाता है, जगह जगह से छोटा हो जाता है. एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है. अच्छा, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करना है? डायग्नोसिस में जैसे इमरान ने एक सवाल किया था कि हम लोग क्या करवाएं जी टेस्ट, तो जो मोस्ट डेफिनेटिव है, जिसके बगैर तो आप डायग्नोस कर ही नहीं सकते, दैट इज थायराइड फंक्शन टेस्ट. नॉर्मल वैल्यूज में TSH का 0.5 से 5 मिली यूनिट पर लीटर होना जो है ना वो जरूरी है, और बिनिश का शायद ज्यादा था, दैट वाज अप टू 8.8 or 9, और T4 9 point something. तो आपका TSH रेज था. जी जी, तो T4 हार्मोन है नॉर्मली वो 4.5 से 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है, और T3 जो है 11.15 से 190 नैनोग्राम पर डेसीलीटर. अब इसके आगे से तीन एग्जाम है. एक होता है प्राइमरी, जिसमें ग्लैंड की अपने अंदर मकसद जो है ना मसला होता है, 90% कंडीशंस में होता है. इसमें इंक्रीज TSH होता है, और T3 और T4 जो है ना वो कम है. सेकेंडरी में ये होता है कि ग्लैंड में मसला नहीं है, लेकिन पिट्यूटरी में मसला है. पिट्यूटरी में मसला है तो सारी कम है. पिट्यूटरी से TSH आ रहा था वो भी कम है, T3 भी कम है, T4 भी कम है. टर्शरी में ये है हाइपोथैलेमस का फेलियर. हाइपोथैलेमस का फेलियर है तो उसमें डिक्रीज T3, T4 और TSH है. एंड बिनिश, योर केस कम्स इन हाशिमाटोथायराइडाइटिस. उसकी आगे से ड्रग रिजीम भी है, वो भी बताऊंगी, डाइट, योगा एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग. TSH जो है बेसिकली मोस्ट यूजफुल हार्मोन होता है. T3, T4 हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, दैट इज TSH. इन हाइपोथायराइडिज्म TSH is increased most of the time, and you are also having few symptoms. बाकी जो आप लोग टेस्ट करवा सकते हैं, क्रिएटिनिन काइनेज का, वो भी इसमें बड़ा हुआ होता है.
लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का वो भी बढ़ा हुआ है, एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज का वो भी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, सोडियम कम होता है, ईसीजी करवाएंगे तो साइनस ब्रेडिकार्डिया है जिसमें स्मॉल कॉम्प्लेक्सेस होंगे और एसटी वेव एबनॉर्मेलिटीज है। मैग्जेडिमा कोमा ये उन लोगों में होता है जो एल्डरली हैं, वीक हैं, इम्यूनिटी कम है, और जब भी ये होगा तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करना होता है, इमीडिएटली, इसमें कोई च्वाइस नहीं होती। डायग्नोस करने से पहले आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है क्योंकि इसमें हाइपोथर्मिया, जिसम ठंडा हो जाता है, हाइपोटेंशन, दिल सही काम नहीं कर रहा, हाइपोवेंटिलेशन, सांस लेने में मसला, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लो हो जाती है, हाइपोनेट्रीमिया, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस है और सोडियम कम हो रहा है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, होश इतना नहीं रहता पेशेंट को, अपने वो कॉन्शियस में नहीं है, CSF एनालिसिस करवाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ा हुआ होगा और प्रोटीन भी ज्यादा होगी। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो एक काम करना होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन T3, ये हार्मोन है, इसका आपने फौरन IV ड्रिप लगवानी है, बोलस लेना है 20 माइक्रोग्राम का, और उसके बाद जब 8 घंटे गुजर जाएंगे दोबारा फिर आपने 20 माइक्रोग्राम T3 हार्मोन देना है। एड्रीनल रिप्लेसमेंट एम्पेरिकल थेरेपी में हम लोग हॉर्मोन्स देते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये एड्रीनल ग्लैंड का हॉर्मोन है, 10 mg IV फौरन देने, ये स्ट्रेस हॉर्मोन है, जब भी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, शॉक के साथ पेशेंट प्रेजेंट करे, कोमा में, ब्लड लॉस के साथ, ये जरूर लगता है। ग्रेजुअल रीवॉर्मिंग, कंबल वगैरह दे देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, हाई फ्लो में ऑक्सीजन देते हैं विद और विदाउट असिस्टेड वेंटिलेशन, ऑक्सीजन का प्रेशर, मास्क हम लोग लगा देते हैं ऑक्सीजन, एंड यूजली द ऑक्सीजन इज गिवन 30 लीटर पर मिनट, 30 to 35 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जाएगी। अब जैसे ये एक एल्डरली पेशेंट है, इनमें आप देखेंगे जी हेयर लॉस भी आपको नजर आ रहा है, पफिनेस भी नजर आ रही है, हाइपोवेंटिलेशन है, इनको नेजल कैनुला लगा हुआ है, और हाइपोटेंशन भी है, इनकी ड्राई स्किन है, इनके आप देखें कि पैरों की जो स्किन है वो कितनी ड्राई हुई हुई है, स्केली हुई हुई है, और लिम्स के ऊपर बकायदा स्वेलिंग है, और ये इनकी टॉर्चुअस वेन्स भी नजर आ रही है क्योंकि लिम्फ ड्रेनेज जो है वो इनका पोअर हुआ है, ये ECG है जिसमें ST चेंजेस है, और साइनस ब्रेडिकार्डिया यानी दिल की जो धड़कन है वो बहुत स्लो हो गई है। ये प्रेजेंटेशन थे मैग्जेडिमा कोमा में, यही होता है, स्वेयर हाइपोथायरॉयडिज्म है, बाल भी गिर रहे हैं, पफिनेस है, मैग्जेडिमा है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथर्मिया। अच्छा, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का मतलब वो होता है कि जिनकी वजह से ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म तो मौजूद है लेकिन ये खतरा बढ़ गया है, इन्फेक्शन से, कोल्ड एक्सपोजर, स्ट्रोक, मेडिकेशन पे है, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अमाइड्रॉन लिथियम या कीमो पर है, उस पे लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आपको शुगर कम मिलेगी, सोडियम कम मिलेगा, सांस नहीं आ रही, QT प्रोलॉन्ग हुआ हुआ ECG पे, लो वोल्टेज, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, दिल के ऊपर ना एक हल्की सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर पानी भर जाता है। मैनेजमेंट में सपोर्टिव देते हैं, सबसे पहले सांस बहाल करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर ठीक करेंगे, उसको रीवॉर्म करेंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, लिवोथायरोक्सिन देंगे, और T3 की सप्लीमेंटेशन हम लोग देंगे और नहीं भी देंगे। अब यही हम लोगों ने एक रिसर्च की थी एक पेशेंट के ऊपर कि जो हमारे पास मैग्जेडिमा कोमा के साथ आए थे, he was like this when he presented to us, hair loss है, और हम लोगों ने इसमें रिसर्च में बेसिकली बताया ये है कि हार्मोन का इफेक्ट इनके पास कितना एफिशिएंटली और अच्छा आया है। प्रोग्नोसिस था कि 3 वीक्स के बाद ऑन योर राइट साइड आप देखेंगे दिस इज द सेम पर्सन प्रेजेंटेड टू अस इन इमरजेंसी, बट आफ्टर टेकिंग द हार्मोन ही इज फीलिंग मच बेटर एंड इवन स्माइलिंग, और इसकी जो स्किन है वो भी बेहतर हो गई है, पहले तो ये स्माइलिंग फेस में इसके फोरहेड के ऊपर रिंकल्स भी आ रहे हैं। But on the other hand, the patient is not conscious. तो इस तरह से होता है जब थायराइडाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड इतना अब्यूज हो जाता है
कभी वो ज्यादा काम कर रहा है, कभी वो कम कर रहा है, क्योंकि उसको निकाल के काटा जाए उसकी हालत कुछ इस तरीके से होती है, जगह जगह उसके गिल्टियां बनी हुई हैं। अब बच्चों के अंदर जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। डेफिनेशन इसकी यही है कि उसके अंदर, बच्चे के अंदर थायराइड फंक्शन कम है पैदाइश के वक्त से ही, थायराइड बना नहीं है, कम बना है, कहीं और जिस्म के हिस्से में बन गया है, थायराइड हार्मोन के बनने में डिफेक्ट है, और ये जेनेटिक डिफेक्ट है, ऑटोसोमल रिसेसिव एक्सपोजर है। माँ को हाइपरथायराइडिज्म था, प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन को होता है, माँ ने दवाइयाँ ली एंटी थायराइड की, तो ये बेसिकली वो दवाइयाँ का कार्बिमाजोल बेसिकली वो दवाई है जो ट्रांसप्लेसेंटल बच्चे तक जा सकती है। तो जब वो बच्चे तक जाती है, बच्चे के हार्मोन लेवल्स कम हो जाते हैं एंड उसको भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज। आयोडीन डेफिशिएंसी, सेंट्रल हाइपोपिट्यूटरीज्म, इसमें भी क्लिनिकल फीचर्स में ये है, यरकान होगा बच्चे को, खाना सही से नहीं खा रहा, पीछे जो फॉन्टेनेले और एंटीरियर फॉन्टेनेले, ये जो दो बच्चे के स्कल के ऊपर दो जगह पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बोन का क्लोयर नहीं हुआ होता, उनको फॉन्टेनेले कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं, खला कह दें, सुराख कह दें, ऊपर स्किन मौजूद है लेकिन साइज बढ़ गया है। दिमाग की नशो नुमा नहीं है, जुबान जो है वो ज्यादा बड़ी है और वो बाहर निकल रही है मुंह से, पेट बड़ा हुआ है और नाफ जो है बच्चे की वो बड़ी हुई है, कभी कभी उसमें हर्निया भी हो जाता है कि आंथड़े वगैरह नाफ से बाहर आ रही है, बच्चे का जो फेस है वो पफी है। डायग्नोसिस में उसका जो T4 है वो कम मिलेगा और इंक्रीज TSH मिलेगा, एक्सरे स्कल करवाएंगे तो लार्ज फॉन्टेनेले हैं, लिम्स जो हैं वो उनकी जो डेवलपमेंट है दैट इज डिलेड, थायराइड स्कैन इज बेसिकली अल्ट्रासाउंड ऑफ द नेक, अगर आप लोग उसके कर रहे हो रेडियोलॉजिकली, रेडियोएक्टिवली इट इज ऑल्सो थायराइड सिंटेलोग्राफी, उसमें आप लोग वो डालते हैं फ्लोरेसेंट डाई और उससे आपको पता चलता है कितना कितना बढ़ गया। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाएंगे तो लिवोथायरोक्सिन, और डोजेज भी इसकी बता दी गई हुई है कि 4 mcg पर kg पर डे इन चिल्ड्रन, 10 से 15 से ज्यादा हम बच्चों में एक्सीड नहीं कर सकते, दैट इज द लिमिट। अब इसमें आप बच्चे का देखें, एब्डोमेन प्रोट्यूबरेंट है, अम्बिलिकस नाफ बच्चे की खराब है, हर्निया भी है, मुंह बड़ा है, जुबान थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, हेयर लाइन थोड़ी पीछे है, ड्राई स्किन है, और लिम्स जो है बच्चे के बाजू वो थोड़े से छोटे हैं। ये एक और बच्चा है, इसकी टंग प्रोट्यूबरेंट है, बाहर की तरफ निकली हुई है, हेयर लाइन इसकी पीछे है, ड्राई इसकी स्किन है। ये एक और बच्चे की तस्वीर है, इसमें भी इस बच्चे की जो जुबान है वो बाहर है, एंड बेसिकली दिस जो डाउन सिंड्रोम है, हाइपोथायराइडिज्म इज वेरी वेरी कॉमन इन डाउन सिंड्रोम, जो भी बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है उसमें हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ट्रीटमेंट में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है लिवोथायरोक्सिन के साथ, डोजेज है, TSH का टेस्ट, डोजेज जब हम लोग देते हैं दैट इज 1.5 to 1.7 माइक्रोग्राम पर kg पर डे, इसका मतलब है कि अगर बेबी का वेट 5 kg है, आप अगर 1.5 डोज दे रहे हैं एंड बेबी वेज 5 kg, तो मल्टीप्लाई 1.5 विद 5, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 6 या 5.5 to 6, तो 6 माइक्रोग्राम पर डे आपने बच्चे को देना है। TSH का टेस्ट आपने करवाना है, आपने दवाई देना शुरू कर दी है 6 से 8 हफ्ते के बाद आप लोग TSH का टेस्ट करवाएंगे, टू सी, बिकॉज TSH इज इम्पोर्टेंट इन बोथ केसेस हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। और अगर आपने दवाई स्टार्ट कर दी है तो अगर नाइट टाइम में इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगी दवाई की, और विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन भी जो है आप वो दे सकते हैं, क्योंकि इससे ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ेगी। अच्छा, नाउ देयर आर ऑल्सो स्पेशल पेशेंट्स, यानी इफ यू आर ट्रीटिंग अ प्रेग्नेंट लेडी यू आर गोइंग टू ट्रीट हर एंटायरली डिफरेंट, बच्चों को डील कर रहे हैं मुख्तलिफ है। If you are treating elderly
एंड अ पेशेंट हु इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इस्कीमिक हार्ट डिजीज द ट्रीटमेंट एंटायरली इज डिफरेंट बिकॉज लिवर थायरोक्सिन कैन प्रेसिपिटेट एमआई मीन्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हम लोग हार्ट अटैक भी कहते हैं और एंजाइना इज ऑल्सो अ हार्ट डिसऑर्डर. तो आपने ट्रीटमेंट जो है लिवोथायरोक्सिन का स्टार्ट डोज एट लोअर लेवल, यानी आपने अगर शुरू किए दवाई को आप दवाई थोड़ी देंगे और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से आप उसको इंक्रीज करते हैं अंडर द स्पेशलिस्ट सुपरविजन. तो इफ यू आर ट्रीटिंग एन एल्डरली, अ डायबिटिक, अ हाइपरटेंसिव और एनी अदर पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम इस्कीमिक हार्ट डिजीज एंड नॉट हाइपरटेंशन, यू आर गोइंग टू ट्रीट द पर्सन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट, एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड यस अ जनरल प्रैक्टिशनर. एंड इफ यू आर ट्रीटिंग अ प्रेग्नेंट लेडी तो जो गायनी डिपार्टमेंट में इवन गायनोकोलॉजिस्ट है, शी इज ऑब्लाइज्ड टू कंसल्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट, एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट एंड यस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑल्सो. वो उनको खुद अपने तौर पे ये नहीं दे सकते हैं, बकायदा मॉनिटर करना पड़ेगा बिकॉज इन प्रेगनेंसी देयर इज इंक्रीज्ड सीरम थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जिसको TBG कहते हैं. थायरोक्सिन इज बेसिकली T3 सीरम जो ऑलरेडी आपके बॉडी प्लाज्मा या बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में मौजूद होता है फ्लूइड, उसके अंदर हार्मोन को पकड़ने के लिए भी ना हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं जो जाके उस हार्मोन के साथ बाइंड कर जाती हैं और उस हार्मोन को खींच के टारगेटेड सेल्स की तरफ ले जाती हैं. सो दे रिक्वायर इंक्रीज डोज बाय 25 to 50 microgram टू मेंटेन द नॉर्मल TSH लेवल. इनएडुकेट मिटर्नल लिवोथायरोक्सिन थेरेपी दैट कैन कॉज द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन द डेवलपिंग फीटस. तो अगर माँ का इलाज सही से नहीं हुआ या उसको इनएडुकेट उतनी दवाई नहीं मिली जितनी चाहिए थी, तो जो बेबी डिवेलप हो रहा है उसको जहनी मसाइल का सामना, उसको कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होंगे, उसको इम्पेयरमेंट्स होंगे. तो अब दीज आर द फूड. Binesh, are you there? Yes, yes, ma'am. Okay. Now, these are the foods. Whether you are suffering from any thyroid disorder or you are not suffering from them, these are basically the foods which are very, very good. These are the infographic elements for your thyroid. In the good food, we can have nuts, we can have lean meat, eggs, probiotic rich food yani yogurt wagaira, wild caught fish, lemon, walnuts, honey, shellfish, seaweed, vegetables, coconut oil, kidney beans and navy beans, pumpkin and sunflower seeds, orange juice, fruits. Ab aapko isse idea ho raha hai ki all food groups are involved except those which are processed. Processed mein aap dekhein सोयाबीन्स, सोया फूड, सोया सॉस, दैट इज फर्मेंटेड सोयाबीन, वो इसमें अलाउ नहीं है. कैफीन, चाय, कॉफी, बट यस यू कैन टेक ग्रीन टी बिकॉज इट हैज एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एंड लेस कैफीन इन इट. फ्लोरिनेटेड वाटर, ये जो पेप्सी होगी, आपका जूस हो गया, अल्कोहल हो गया, रॉ क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स, वो सब्जियां जो ज्यादा आपको लगता है कि तजाबियत भी कर सकती हैं और आपने उनको पकाए बगैर यूज किए, नॉन सीजनल वेजिटेबल्स, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, शुगर कंटेनिंग फूड्स, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स, हद से ज्यादा गंदम का इस्तेमाल, डबल रोटी का इस्तेमाल प्रोसेस्ड जिनमें यीस्ट डली हो, स्पैगेटी, चावल बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट्स, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल एंड मार्जरीन, मायोनीज, और ये ब्लू बैंड इज मार्जरीन, दैट इज नॉट बटर. तो ब्लू बैंड को अवॉइड करें. इफ यू आर गिविंग ब्लू बैंड टू योर किड्स,
The blue band is margarine. That is not butter. Refined sugar, straight chini. And cancer, it loves sugar. जहां पे भी white sugar होगी, white rice है, cancer will run towards that thing. उसकी जगह गाजरी या ये जो गुड़ शक्कर इसका इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है. Now best foods for thyroid: vegetables, chicken, coconut oil, bone broth, eggs, seaweed, Brazil nuts, fish, yogurt, dairy, high fiber food, and oysters, seafood. And these are basically the yoga poses that can improve the thyroid health. Shoulder stand pose, corpse pose, pillow pose, camel pose, and pillow pose again, but in other position. Basically, these were the key points. Hypothyroidism is itself a very vast topic, and I have only given you the general view, whether it comes in the child group, adult group, elderly group. I have just given you a very general view. Hypothyroidism is much more than this. So if you have any question, please ask. जी बेनिश. जी जी डॉक्टर, मेरा एक तो क्वेश्चन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ, आपने जो बताया कि जो मेरी डाइट है वो प्रॉपर हेल्दी हो, मगर हम राइस वंस इन अ वीक खाते हैं या स्पैगेटीज या पास्ता, और उससे तो कोई मतलब वो भी अफेक्ट कर सकते हैं या बिल्कुल ही खाने छोड़ देने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं करना. देखें, अल्लाह ताला ने बहुत सारे फूड ग्रुप जो है ना हमारे आगे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट रखे, प्रोटीन रखा, फैट्स रखे, लिपिड्स रखे. तो अगर ये इतने खतरनाक होते तो ये इनको पहले ही जो है ना वो. देखिए, हाइपोथायराइडिज्म इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर, और अगर उसमें भी जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो ऑटो इम्यून में आ रही है. जिस तरह से एक और बीमारी है ना सिलिक डिजीज, वो लोग जो रोटी चावल ही वो हजम नहीं कर सकते वो बीमार हो जाते हैं. इसी तरह से फर्ज करें कि अगर आज मैं नॉर्मल हूँ, आप नॉर्मल है, खुदा ना खास्ता हम सो के उठे हमें हाइपोथायराइडिज्म हुआ, ये इस तरह की चीज है. आपने बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लेनी है, आपने छोड़ना कुछ नहीं है. आपने चावल भी खाने हैं, आपने रोटी भी खानी है, आपने सब कुछ खाना है. इट इज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट. जी जी. और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे डॉक्टर ने कहा कि अगर आप मेडिसिन खा रही हैं, लाइक उसकी टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखें. लाइक अगर मैंने आज 5 बजे सुबह खाई है तो मुझे कल भी 5 बजे ही खानी है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें मुश्किल हो रही थी. एक मतलब कुछ दिन तो मैंने मैनेज किया, मगर फिर मेरी रूटीन डिस्टर्ब. हाँ, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी ना सर्किट. ठीक है. अब इसमें ये होता है बिनेश के आपका जो है ना बॉडी के, हम लोग दरअसल जो हार्मोन्स हिले हुए होते हैं ना, बॉडी को लर्न करना सिखा रहे होते हैं, स्टिमुलस दे रहे होते हैं टू गेट राइट. वही सर्कैडियन रिदम वाली बात जो मैंने बहुत स्टार्ट में की थी कि सर्कैडियन रिदम के ही इर्द गिर्द आपके बॉडी के हार्मोन्स चल रहे होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि अगर रात के टाइम आप सो रहे हैं एक टाइम पे, फर्स्ट करें 9 बजे, कोशिश करें आप अगले दिन भी 9 बजे सोएं. आपने अगर आप एक रात 9 बजे सो रहे हैं, फिर अगले दिन आप रात सुबह 1 बजे सो रहे हैं, फिर 3 बजे सो रहे हैं, इस तरह से बॉडी का जब सर्कैडियन रिदम हिलता है तो जो हार्मोन्स की फ्लक्चुएशंस है वो बढ़ जाती हैं, और जब वो बढ़ जाती है तब प्रॉब्लम होती है. इसीलिए आपको सेम टाइम पे दवाई लेने को कहा जा रहा है ताकि आपकी बॉडी लर्न करे नॉर्मल पैटर्न और उसके ऊपर चले. थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू. अच्छा, अब एक और बहुत कॉमन बात जिसमें आती है कि जो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है उसका चूंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वो वेट लूज नहीं कर पाता. ये बहुत ज्यादा ना एक कॉमन एक क्वेश्चन भी होता है कि हम लोग वेट लूज क्या करें. तो जो रिजल्ट है और जो रिसर्च है बाकायदा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं. इंटरमीडियंट फास्टिंग इज द की फॉर द पेशेंट्स ऑफ हाइपो थायराइडिज्म. इंटरमिटेंट फास्टिंग में तरह से होता है कि आप दिन में खाते भी हैं लेकिन आप लोग रोजा भी रखते हैं. उसकी कई विंडोज हैं. जी आसिया.
थैंक यू वेरी मच. आई थिंक बहुत सारे लोग सवाल करना चाहते हैं, तो सभी साहब आप क्वेश्चन कर लें, फिर उजाला कर लेंगे. जी सभी साहब. अच्छा ओके जी. अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी. अच्छा माय क्वेश्चन टू डॉक्टर सारा इज दैट इन केस ऑफ अंडर एक्टिव थायराइड यू सी द थायराइड हार्मोन्स दे आर नॉट प्रोड्यूस टू मीट बॉडी नीड्स. यही आपने बताया और उसके हवाले से आपने बेशुमार किस्म की जो बीमारियां किसी को लग सकती हैं और उनके क्या तबाहकुन नतायज निकल सकते हैं, तो वो बड़े इतने ड्रेडफुल कॉन्सिक्वेंसेस तो फर्स्ट टाइम मेरे इल्म में आए एंड आई वाज रियली स्टंड एंड शॉक्ड टू लिसन टू व्हाट यू सेड. और इसमें अब चीज ये भी है कि डेफिनेटली इतनी बीमारियों के साथ बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह, हार्ट अटैक और ये चीजें सारी, फिर आपने फल और सब्जियां और जो जो भी ईटेबल फूड वगैरह का भी जिक्र किया है. नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, क्या ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं इसके इस थायराइड वगैरह के हवाले से, जो इसकी एलिमेंट या इसकी इलनेस या इसकी जो जो बीमारी है उसके हवाले से. अच्छा स्ट्रेसफुल कंडीशंस आप लोग मेंटल हेल्थ के हवाले से कह रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन या फिर जो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है सर्जरी वगैरह ब्लड लॉस? दोनों केसेस में कंबाइंड. हेलो एम आई विद यू प्लीज. देखिए इस तरह से होता है कि जब सर्जरी परफॉर्म की जाती है ना, जैसे सर्जरी परफॉर्म की गई है थायरॉयडेक्टमी की, तो उसमें जब हम लोग निकाल देते हैं थायराइड ग्लैंड को तो ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड जो है ना वो कम हो जाता है. तो फिजिकल ट्रॉमेटिक ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, बॉडी में इन्फेक्शन है, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म को प्रेसिपिटेट कर सकता है. बॉडी के अंदर जो है स्ट्रोक का पेशेंट है. अब एल्डरली पेशेंट में हाइपरटेंसिव में आपको एक बात देखने को मिले कि जो स्ट्रोक हो गया, फॉलेज हो गया, तो फॉलेज वाले मरीजों के अंदर भी हाइपोथायरॉयडिज्म के अल्टीमेटली बढ़ जाते हैं. यानी अगर बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही तो हार्मोनल जो है ना वो होंगे. तो दोनों तरीके से आप एंजाइटी में है, डिप्रेशन में. अब लिथियम जो मैंने दवाई का नाम लिया था वो एंटी डिप्रेसेंट है. एंटी डिप्रेसेंट भी है, एंजियोलिटिक भी है, और उन मरीजों को दी जाती है जिनको बकायदा बिजली के झटके भी दिए जाते हैं ताकि वो नॉर्मल कर सके अपनी सोचों को. तो अब लिथियम देखें, साइड इफेक्ट उसका सबसे पहला यही है कि वो हाइपोथायरॉयडिज्म करेगी. तो वो इसी तरह से होता है. अच्छा, तो जो नॉर्मल जो जैसे लाइक डायबिटिक पेशेंट्स जिनको के स्ट्रेस के वाले से भी शुगर या जिसको डायबिटीज कहते हैं बढ़ जाती है, इसी तरह और बीमारियों के साथ जो एलाइड किस्म के इस किस्म के इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रेसफुल कंडीशंस, तो वो क्या ये थायराइड वगैरह के हवाले से भी आप समझती हैं कि ये इसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ अगर जब हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं मेल हो फीमेल हो, उसमें एक्नी सबसे पहले आ रही है. एक्नी के ऊपर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो रहे हैं. कुछ लोगों को एंजाइटी में वो खाम खा खारिश करते रहते हैं, कभी वो हाथ खारिश कर रहे हैं, कभी वो टांगों पे खारिश कर रहे हैं, तो जख्म बन जाते हैं. स्ट्रेस है, मेंटल है, दिमाग से बात शुरू हो रही है, क्योंकि थायराइड के जितने भी सारे हार्मोन हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस में जाता है. हाइपोथैलेमस के साथ जो लिम्बस अटैच है वो है ही आपका इमोशंस का, इंटेलिजेंस का सारा एरिया, वो सारा आपके इमोशंस को ही पकड़ता है. तो जब हाइपोथैलेमस या दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, हाइपोथैलेमस TRH रिलीज नहीं करता, वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं आते, तो TSH नहीं आ रहा. तो जब थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन आता ही नहीं है तो थायराइड के पास नहीं आ रहा. थायराइड ने उसको जब वो स्टिमुलेट ही नहीं होगा, उसको सिग्नल ही नहीं जाएगा कि आप वो अपने हार्मोन बनाना शुरू करें, ब्लड के अंदर छोड़ें, ब्लड के अंदर से प्रोटीन पकड़ के टारगेट सेल की तरफ लेके जाए. ये दोनों कंडीशंस जो है वो आपके नहीं है, मेंटल ट्रॉमा भी फिजिकल ट्रॉमा भी, ये दोनों है, तो हार्मोन्स कम होंगे. तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि फिर एक बंदा जो है वन कैन नॉट लिव अ लॉन्ग लाइफ विद दिस हाइपोथायरॉयडिज्म, मैं तो ये समझ पा रहा हूँ इस बात. देयर आर मेनी 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 डिजीजेस. ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला हमें हर लम्हे जो है ना वो
बचा रहा होता है बहुत सारी चीजों से, सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बहुत सारी कंडीशन से जो है ना वो बच रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई लिवर का एक भी पेशेंट जो है वो आपके घर में हो जाए या आप खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो ये फाइनेंशियल भी बहुत ज्यादा एक बर्डन भी आ जाता है और फिजिकल स्ट्रेस वाइज भी आ जाता है। तो हम ऑल द टाइम बहुत सारी चीजों से बच रहे हैं। तो ऑटो इम्यून से भी हाइपोथायराइडिज्म नहीं आता, सेलिक भी आ रही है और बेशुमार आ रही है, SLE भी आ रही है, सब आ रही है। तो हम ऑल द टाइम बचे हुए। जी सभा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सभा भी बात करना चाह रही है आपसे और वो उजाला भी बात करना चाह रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सभा मैम, मैंने आपसे पूछना था, आप थायराइड के बारे में माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही थी। एक्चुअली मेरी मदर को ये थायराइड का इशू है। अच्छा। तो उनका है कि वैसे तो उनको वीट एलर्जी भी है, उनको डॉक्टर्स ने और काफी ज्यादा चीजें मतलब फ्रेश दालें और गंदम ये सारी चीजें बंद कर दी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा। उनकी सेहत इतनी डाउन है, मतलब वेट जो है ना वो उनका बहुत ज्यादा लूज किया उन्होंने। जैसे उनका थायराइड का टेस्ट आया हमें पता चला उनको थायराइड का प्रॉब्लम है, साथ ही उनको वेट एलर्जी का इशू हमारे सामने आया। सडन बेसिस पे जो है ना उनकी बिल्कुल जो सेहत तो वो बहुत डाउन गई, उनका वेट बहुत लूज हुआ। अच्छा अच्छा सबा, उनकी एज क्या है इस मामले में अगर थोड़ा सा? हाँ ठीक है, उनकी एज बताएं आप। 65। अच्छा तो सबा, नाउ टू थ्री थिंग्स आर हैपनिंग। फर्स्ट इज के वेट लॉस हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म मौजूद है, लेकिन दैट इज ऑल्सो ऑटो इम्यून, क्योंकि वेट गिर भी रहा है, कभी वो हाइपर हो रहा है कभी वो हाइपो हो रहा है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि इसको मैनेज कैसे कर रहा है। मैनेज में ये होगा कि जो उनका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या जो कंसल्टिंग अभी आपका डॉक्टर है ना, वो इस तरह से करेगा कि वो एक डोज एडजस्ट कर देगा आपकी वालदा की, और वो आपको डेली देनी पड़ेगी। फर्ज करें कि अगर आप वीट नहीं दे पा रही, सी फूड नहीं दे पा रही, खाना पीना इंटेक कम है, आप क्या करेंगी, आप उन्हें यखनी दे दें, ठीक है, आप उन्हें यखनी दे दें। अगर वो अखरोट वगैरह भी नहीं खा पा रही, आप उनको पीस के किसी दूध के ग्लास में दे दें, ठीक है। सप्लीमेंट्स आ गए हैं, आप उनको विटामिन ई इवियोन के नाम से टेबलेट्स आते हैं, 600 मिलीग्राम ग्रीन कलर के वो होते हैं, आप उनको इवियोन की टेबलेट्स दें। फूड को अगर वो ऐसे ले नहीं ना पा रहे हो, फर्ज करें कि गाजर है, स्पिनच है, आप उसका जूस निकाल के उनको दे दें। सही, तो मैम उनके साथ एक्चुअली ये इशू भी है कि जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई तो इन लोगों ने उनका सीटी स्कैन करवाया, तो वहाँ कोई इंजेक्शन उनको रिएक्ट कर गया जिसकी वजह से उनका जो कैल्शियम है पोटेशियम है वो सब बहुत डाउन गया, पोटेशियम उनका 2% चला गया। तो उसके बाद ये कि उनके जो टीथ अच्छा। हैं वो फटाफट टूट के गिरे, बहुत मतलब अब कोई एक दो रह गए होंगे, तो इस वजह से भी हम उन्हें जो है वो जारी बात है ज्यादातर लिक्विड चीज देते हैं। अच्छा, आपकी अम्मा जो है वो कीमोथेरेपी पे थी? सॉरी, आपकी अम्मा कीमोथेरेपी पे थी या कोई कैंसर का खुदा ना खास्ता कोई मामला था उन्हें? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ऐसा कोई मसला नहीं था। तो आप सिटी स्कैन क्यों करवा रहे थे? उनके एब्डोमिन सिटी स्कैन करवाया था, वो मतलब उनको लूज मोशन थे, वॉमिट्स थे बिल्कुल भी, वो ठीक नहीं हो रहे थे, तकरीबन 2 इयर्स हो गए थे। ये हाशिमाटो है, ये हाशिमाटो थायराइडाइटिस है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट रिजीम होगी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के जरिए और शी विल गेट बेटर। अब हो सकता है ना एल्डरली एज में ये होता है कि मेटाबॉलिज्म आगे ही बॉडी का कम हो जाता है, एज फैक्टर भी होता है और इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, तो ये सारी चीजें पैरेलल हैं। और जहां तक फूड की बात है, वो दही अगर खा रही हैं आप, दही के अंदर छोटे छोटे क्रश करके फ्रूट्स जो हैं, या जैसे एक फ्लेवर्ड योगर्ट होता है, नट्स को भी आप बीच में कर दें, क्योंकि हो सकता है जैसे आप बता रही हैं कि उनके दांत नहीं है, कि उसे स्वालो कर लें उसको, तो वो उनके अंदर चला जाए। तो दिस इज दैट प्रॉब्लम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सबा। डॉक्टर सारा,
जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वेरी इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन. मैं कहूंगी इट्स इंसाइटफुल के बजाय थॉट प्रोवोकिंग प्रेजेंटेशन है आपकी, क्योंकि इसको सुनने के बाद सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया मैंने कि ये कितना कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है जो ऑटोमेटिकली हमें हमारे अंदर खुद ब खुद ही बैलेंस हो रहा है. और बड़ी अच्छी सी बात आपने बताई कि चीजें कहाँ से शुरू हो रही हैं, वहां आपके जहाँ आपके इमोशंस हैं, आप जो लेट गो करोगे, आप अपनी अपने इमोशंस को मैनेज करोगे तो आप बहुत सारी चीजों से बचोगे. यानी आपके ब्रेन से शुरू होती है इन चीजें और फिर आपकी बॉडी में जगह जगह वो क्या कुछ कर सकती हैं. बड़ा आपका जो सेशन था मेरे पास वर्ड्स नहीं है. मैं आपको क्या कहूँ बताऊँ कि जो आपका डेडिकेशन, जो आपका सिंसेरिटी, जो आपका वे ऑफ डिलीवरी है ईच एंड एवरी पर्सन को आपने इतने प्यार से और इतना पेशेंस के साथ ट्रीट किया. और आई थिंक यहाँ पे जितने लोग हैं उन्होंने इसको अंडरस्टैंड भी किया और समझा भी है. मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग था और मैंने तो अल्लाह का बहुत सारा शुक्र अदा किया कि अगर आप अपनी जिंदगी में चल रहे हैं और आप काम करने की स्ट्रेंथ के साथ चल रहे हैं तो आपके बहुत सारे जो काम है वो अल्लाह ताला ने अंदर जो बॉडी के चल रहे हैं वो मैनेज हो रहे हैं. तो इसलिए आपको हर सेकंड में शुक्र अदा करना चाहिए. क्या पता कब TSH कम हो जाए, क्या पता कब FSH ना बने, मतलब यू डोंट नो. तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. यस इट इज वेरी ट्रू. और मैं आपको लास्ट में अगर एक ये बात बताऊं कि ये साफ बात हम अपनी कम्युनिटी में भी कहते हैं और ये बकायदा पेशेंट्स भी कहते हैं कि अगर आपको अल्लाह ना करे कि किसी को कैंसर हो, लेकिन अगर आपको नेचर या अल्लाह चॉइस दे कैंसर को चूज करने की तो आप थायराइड का कैंसर चूज करें, क्योंकि थायराइड का कैंसर वो वाहिद कैंसर है जो कम्प्लीटली जो है 100% तक क्योर हो सकता है अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए. और इसके जो मेट्स हैं यानी इसका जो फैलाव है वो बाकी कैंसर की जो निस्बत है वो बड़ा लेट होता है, बहुत लेट स्टेजेस पे जाके होता है, इतना खतरनाक नहीं होता. बट स्टिल उसका जो जाहिर बात है एक बॉडी अगर अल्लाह ताला ने आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतने मैकेनिज्म के साथ बनाई है तो वो कहीं ना कहीं डेलिकेट भी है. तो बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए. तो सो हाउ कैन वी इंश्योर सेल्फ केयर टू प्रिवेंट सच इम्बैलेंस फ्रॉम अकरिंग, इस इम्बैलेंस को हम होने से कैसे बिफोर टाइम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है. छोटी सी बात अगर आप आखिरी की पॉइंट हमें बता दें कि हम सब अपना अपने अंदर वो एक बेसिक पॉइंट क्या रखें कि हम इस हाइपोथायराइडिज्म पे ना पहुंचे या हाइपरथायराइडिज्म पे ना पहुंचे. ये तमाम डिजीजेस के लिए मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि अव्वल तो ये किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है, नहीं है. ये बिल्कुल जैसे हमें फ्लू हो जाता है, नजला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, वो बता के नहीं होता, तो ये वो वाली चीज है. तो मैं ये बात कहूंगी कि कोई भी बात पर्सनल ना रहे ताकि आपको मेंटल स्ट्रेस ना हो, हंसते रहें, बातें करें. अच्छा, खाना अच्छा खाएं, बैलेंस्ड खाएं, सोशल एक ग्रुप बनाएं. इवन इन योर ओल्ड एज आपके पास अगर आप फर्ज करें कि अगर आप वर्किंग है और आप रिटायरमेंट के एज पे भी हैं तो उसके बाद भी बिफोर रिटायरमेंट मेल एंड फीमेल बोथ अपनी ना कोई एक्टिविटी जरूर निकाल के रखें जो उन्होंने करनी है. वो खाली वो घर की बातें और वो अपना वो प्री हिस्टोरिक टाइम जो है वो उसको याद कर करके ना परेशान होते रहे. एंड यस एक्सरसाइज ये बहुत अच्छी चीज है, एक्सरसाइज तो बहुत सारी चीजों से बचा रही है. ठीक है, यानी कि बी ग्रेटफुल फर्स्ट ऑफ ऑल और डू समथिंग एंड एक्सरसाइज मस्ट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है और ये वाली जो योगा आपने बताई है ये मस्ट है फॉर एवरी पर्सन. आज के हमारे की पॉइंट्स हैं. हाँ जी, थैंक यू वेरी मच. आपने हम सबको जो है ना बहुत टाइम दिया, आपके टाइम का, आपकी नॉलेज का, सिंसेरिटी का, डेडिकेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं नहीं, एनी टाइम. हमारी कम्युनिटी का मकसद यही है कि हम अवेयरनेस करें एक दूसरे के साथ, जो है वो बात कर लें. सोशल ही एक बात है तो आई एम अवेलेबल
एनी टाइम. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो नाइस. ओके जी. ओके. आई लव दिस. आई लव दिस. आई लव.